चलेगा। आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू ना चलेगा तो चल दे राह, तू ना चलेगा तो चल दे राह, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, और हो माननीय मंत्री जी, दो शब्द के द्वारा सभी को माननीय मंत्री जी, यूट्यूब पर जा सकती है, अभी तो लाइव ही चलती है, बाद में रिकॉर्ड करेंगे। ओए कौन लड़े, मैं लड़ा मत मैं कर दो, अभी तेरा मोबाइल टाइम नहीं है, काम कर रहा है ये ऐड, सबसे पहले ऐड दे वाले मिलेंगे इसे बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज मेरे लिए बड़े बड़े वो ना लाभ ट्राइकोड दिन है, अमित दिल कि आज मैं अपने फलादा गांव और अपनी जन्म स्थली और अपने प्यार में अपने ताऊ, अपने चाचा, अपने भाई, अपने बच्चे, अपने माता पिता, पूरे परिवार और पूरे गांव का आशीर्वाद लेने आज मैं इस फलावते में आपके बीच में आया। ये बड़ा सौभाग्य है, सर्वप्रथम मैं संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के श्री चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभी ये खटीक का बेटा नहीं है, ये पूरे फलावदे का बेटा है, खटीकों की जिम्मेदारी तो और ज्यादा बढ़ गई है कि आपको सब समाज को साथ लेकर चलना है। ये आपका परम सौभाग्य है, ये आपका परम सौभाग्य है कि भगवान ने आपको हस्तनापुर विधानसभा से 2017 में विधायक बनाया, उसके बाद आप पर विश्वास करके पूरे उत्तर प्रदेश का सीएसटी का चेयरमैन बनाया, जब आपका काम देखा गया कि आपने पूर्ण समाज के लिए, चाहे वो आरक्षण का विषय हो, चाहे वो नियुक्तियों का विषय हो, उसमें मैंने कोरोना काल में भी पूरी जीत और मेहनत करके लखनऊ में रात दिन एक करके आरक्षण के मुद्दों पर एससी एसटी कमेटी के लिए काम करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी और श्री योगी आदित्यनाथ जी ने और श्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप पर विश्वास जताया, आपके बच्चे पर, आपके भाई पर, आपके बेटे पर विश्वास जताकर बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में आपका प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है, मेरे लिए पूरा फलादा है कि वो कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई बिरादरी हो, मेरे लिए पूरा गांव और ये पूरा गांव और पूरा क्षेत्र मेरे लिए, ये मेरा परिवार है आपके।
जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, मैं अपने परिवार के लोगों से कहना चाहता हूं, वो समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, कोई भी काम हो पूरे क्षेत्र का और पूरे इस गांव का, इस पूरे समाज को, सबको साथ मिलकर सब लोगों की मदद करनी है, और आपकी जिम्मेदारी हमारे समाज की सबसे ज्यादा बन गई। कभी भी आप लोगों का कोई काम हो, भैया शांत रहो एक मिनट, अरे भैया प्लीज शांत रहो, कोई भी किसी व्यक्ति का काम हो बिल्कुल मत झिझकना। पूरा गांव कभी भी रात को 12 बजे भी आपके लिए वो घर हमेशा पहले खुला था, आज खुला है और आगे भी खुला रहेगा। कोई भी रात को आधी रात 12 बजे आना, अपना घर समझ के आ जाना मेरे, क्योंकि फलादा में, अरे भैया एक मिनट शांत रहो भाई, ऐसा है आपका भी आपका फलादा है तो चलते रहे। बहुत काम है आपको आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा विकास दिया है, ऐसा विभाग दिया है जो किसानों से जुड़ा है, चाहे वो सिंचाई की बात करें, चाहे वो रजवाड़े की बात करें, चाहे माइनरों की बात करें, चाहे नहरों की बात करें, चाहे गंगा की बात करें। और आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको माँ गंगा की सेवा करने का यहाँ से लेकर ऋषिकेश तक का आशीर्वाद आपको ही मिला है। ये 500 भाग्य है, ये आप लोगों का सौभाग्य है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने आप पर इतना बड़ा विश्वास किया है कि आज तक के इतिहास में आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इतना बड़ा दायित्व कार्यकर्ता सिंचाई मंत्री नहीं बना। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हम लोगों को सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 का चुनाव जीता, देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 2017 में भाजपा की सरकार बनी, 2017 में सरकार बनी, उसके बाद 2019 में बनी। जरा आप बताइए मुझे, समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस की बात करने वाले लोग, एक समय जब कांग्रेस की सरकार होती थी, अगर पाकिस्तान की तरफ से एक गोली आ जाए तो ऑर्डर दिल्ली से लेना पड़ता था फौजियों के गोली चलाए के ना चलाए। आज ऐसी ताकत नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, एक गोली का जवाब आएगा तो 100 गोली दाग दी जाएंगी। ये राम मंदिर, भाजपा वाले कहते थे कि जय श्री राम, आज भी कहते हैं, कहते थे कि वो मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तारीख इसलिए नहीं बताई थी कि काम को करके ही सांस लेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या सपना देखा था, क्या आपका कश्मीर ये अभिनंदन नहीं था क्या, जिस कश्मीर को गुलाम करके वहां आतंकवादी गतिविधियां करती गई और वो हमारे समाज के लोगों को काट काट कर पूरे कश्मीर से वहां से हिंदुओं को पलायन कर दिया गया। ये बड़ी दुखद घटना है साथियों, लेकिन ऐसा एक गुर्दा तुम्हारे देश के अंदर पैदा हुआ है, वो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने एक ही रात में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर पर कब्जा कर दिखा दिया साथियों भारतीयों के। बहुत काम है, सबका साथ सबका विकास, आदरणीय मोदी जी ने कहा है। मेरे गांव के लोग भी यहाँ खड़े हैं, जरा बताओ, यहाँ हर समाज का आदमी है, क्या गैस कनेक्शन यहाँ पर लोगों को मिले क्या नहीं मिले, यहाँ मकान मकान लोगों को मिले प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले, सौभाग्य योजना से कनेक्शन मिले या नहीं मिले, शौचालय मिले क्या नहीं मिले, एक महीने में दो दफा राशन फ्री मिला क्या नहीं मिला। तो भाई और सरकार से क्या चाहते हो, सबसे पहले कोई देता था क्या,
आपको नेता देखा, आप झंडा उठा के जाओगे, लखनऊ तक जाओगे, रैली में जाओगे, अपनी जान फूंक करके आओगे। आपको सारी फैसिलिटीज मोदी योगी सरकार ने यहीं पर सुविधा उपलब्ध करा दी। एक बात हमारे याद भी आती है, फलावटे में ये पूछते थे, भैया ये कौन सा हफ्ता है बिजली का, सुबह का है कि शाम का है, कितने घंटे लाइट आती है आपके यहाँ पर, तो क्यों आ रही है भैया? ये सारी लाइट जब जाती थी तो वो सैफई में चली जाती थी, इटावा में चली, उन्नाव में चली जाती थी, लेकिन आदरणीय योगी जी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश को साथ लेकर चलना है और सबका साथ सबका विकास, हर घर को रोशनी, हर घर को मकान, हर घर को शौचालय, हर घर को राशन, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ। कितनी बड़ी घटना, पूरा देश नहीं पूरा विश्व कोरोना से धरा आया। मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि यदि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी न होते और उत्तर प्रदेश के अंदर यदि योगी जी न होते तो ये देश में लाशों के ढेर लग जाते। साथियों, रात दिन जो प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने, एक एक कार्यकर्ता ने भाजपा के जो काम किया है वो बिल्कुल सराहनीय है। सब लोगों के हमने जान माल की सुरक्षा की है। वैक्सीन लोग कहते हैं डीजल पे पैसे बढ़ गए, लेकिन ये नहीं देख रहे कि फ्री वैक्सीन 2000 रुपए की एक वैक्सीन किसको जा रही है? फ्री में लग रही है कि नहीं लग रही है? सब लोगों को लग रही है कि नहीं लग रही है? और क्या चाहते हैं भाई? सरकार की योजना, हमारी बहन बेटी मवाना पढ़ने जाती थी तो ये नहीं पता कि शाम को वापस आएगी या नहीं आएगी, ऐसा था या नहीं था? आज जरा हाथ निकल लगा के देख लो, शाम को हाथ इधर से उधर पड़ जाए, होता है कि नहीं? हमारा एक व्यापारी मेरठ जाए सामान लेने, उसको ये नहीं पता बेचारा कहाँ लुट जाएगा वो। आज योगी सरकार में जरा हाथ लगा के देखो, उसके दो इलाजे या तो ऊपर है या अंदर है, है नहीं है? तो भाई ध्यान रखना, 2022 आ रहा है, 2022 में आपको जो जवाब देना है, आपकी जो ताकत है ना वो लट ताकत है, ना बंदूक ताकत है, ना राइफल ताकत है, आपकी ताकत है वोट, और वोट लगेगी काहे पे? 2022 में हमारे यहाँ से विधायक हैं संजीव सोम भाई हमारे, और आदरणीय हमारे मंत्री जी हैं संजीव बालियान जी, दो लोग आपको बहुत मजबूत मिले हुए हैं यहाँ पर, लेकिन वो दोनों जनप्रतिनिधि भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन आपको इसके साथ एक चीज और मिली है कि आपका भाई, आपका बेटा एक विधायक भी है, एक मिनिस्टर भी है, और वो आपका बेटा है, वो तीसरी चीज आपको मिली है। कभी भी लो आप लोग पूरे फलाव देके, मैं सब लोगों से कह रहा हूँ, ये तो मेरी जन्म स्थली है, मेरा मोहल्ला है, यहाँ मैं पढ़ा हूँ, यहाँ पर गलियों में घूमा हूँ, ये सब मेरे परिवार के लोग हैं। सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है, कभी भी कोई काम आपका पड़े तो सीधे द्वार पर आ जाना, आपका आधी रात 12 बजे भी हम लोग काम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। फलाव दे वालों की जिम्मेदारी आप औरों पे भी है, ये भी ध्यान कर लेना, तुम सब मालिक हो, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको स्थान मिला है, इसलिए आपने यहाँ पर सब समाज ने, यहाँ के व्यापार संघ ने, यहाँ मेरे समाज ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं मेरे समाज के, उनको नमन करता हूँ, अपने समाज को नमन करता हूँ, और मुझे गौरव है उस समाज पर जिस समाज में मैंने जन्म लिया है। यदि मैं इस समाज में जन्म ना लेता तो शायद आज मैं विधायक ना बनता, इसलिए आपको सब लोगों की बहुत इज्जत करनी है, सबको भाई बनाकर रखना है, यदि किसी से छोटी मोटी छुटपुट कोई बात भी हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, उसको आप लोगों को यही निपटा करके काम खत्म करना, ये आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। और सब लोगों ने, पूरे फलाव दे के लोगों ने, मेरे गांव के लोगों ने मेरा इतना बढ़िया स्वागत किया है, भव्य स्वागत किया है, मैं इसके लिए पूरी जिंदगी आपका आभारी रहूंगा। ये आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस फलावदे का प्यार मुझसे भी नहीं छूटा, ना मैंने आज तक छोड़ा। मैं विधायक बन के भी घर पर आया था, आज मंत्री बनकर भी घर पर आया हूं।
आप सब लोग आवास पे चल के जो प्रसाद है वो ग्रहण करें लें, और उसके बाद समापन है कार्यक्रम का, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की हमने कथा करानी है। इसलिए मैं आप लोगों से का बहुत बहुत आभार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम। धन्यवाद। जिंदाबाद।